गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th अकाउंटेंसी में हम पढ़ रहे थे खातों का वर्गीकरण, जिसमें हमने डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग जर्नल में किस तरह से लेन देनों का लेखा किया जाता है, उनकी एंट्रीज कैसे की जाती है वो हम समझ रहे थे। आपको मैं दो खातों के बारे में बता चुकी हूँ, एक तो व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट, जिसका नियम मैंने बताया था कि जो व्यक्ति पाता है उसे डेबिट करते हैं, जो व्यक्ति देता है उसे हम क्रेडिट करते हैं। दूसरा हमने जो कल लास्ट लेक्चर में पढ़ा वो हमने पढ़ा रियल अकाउंट, जिसको हम संपत्ति खाता भी बोलते हैं, जिसके अंदर सभी प्रकार की टेंजिबल असेट्स और इंटेंजिबल असेट्स, जो भी असेट्स बिजनेस में आती है, जो आती है उसे हम डेबिट करते हैं और जो जाती है उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट। यानी दो रूल्स हम सीख चुके हैं, गोल्डन रूल। अब आज हम तीसरा अपना जो खाता है उसे हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है नाम मात्र का खाता यानी कि नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट किससे संबंधित होते हैं? सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स को देखकर ये पता लगाना कि ये कौन सा खाते से संबंधित है। तो नॉमिनल खाते कैसे होते हैं? ऐसे सभी खाते जो एक्सपेंसेस यानी व्यय, लॉसेस हानि, यानी जो खर्चे हो रहे हैं, जिसके रूप में हमारे पास से पैसा व्यय हो रहा है, एक्सपेंसेस हो रहे हैं या लॉसेस हो रहे हैं, या कोई इनकम हो रही है या प्रॉफिट हो रही है या पैसा आ रहा है, तो आय या लाभ से संबंधित जो खाते होते हैं उन्हें हम कौन सा खाता कहते हैं? नॉमिनल अकाउंट कहते हैं, यानी कि नाम मात्र का खाता। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे, मैंने यहाँ पर लिखा है परचेज अकाउंट यानी कि क्रय खाता। जब भी हम कोई चीज़ व्यवसाय के अंदर खरीदते हैं तो खरीदेंगे तो हमारे पास से क्या होगा? माल तो आएगा, क्या आएगा? गुड्स तो आएगा, लेकिन पैसे क्या होंगे? खर्च होंगे, हमारे पास से पैसे जाएंगे, ठीक है। दूसरा होता है विक्रय खाता, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में जब भी हम कोई माल बेचते हैं तो हमारे पास आगम के रूप में यानी रेवेन्यू के रूप में कुछ पैसा बिजनेस में आता है, ठीक है। तीसरा होता है जिसको हम व्यय से संबंधित खाते बोलते हैं, जैसे सैलरी हम किसी को पे करते हैं, रेंट पे करते हैं या डिस्काउंट किसी को, रेंट पे कर रहे हैं, सैलरी कर रहे हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? खर्चे कर रहे हैं, व्यय कर रहे हैं, तो ये एक्सपेंसेस अकाउंटेंट, ठीक है। इसी प्रकार हम किसी को छूट देते हैं कि हमको आप पैसा दे दीजिए तो हम आपको सीडी दे देंगे, कैश डिस्काउंट दे देंगे 10%, या डिस्काउंट सेल चलाते हैं, या किसी को काम करने पर हम कमीशन देते हैं, तो ये हमारे क्या हैं? लॉसेज हैं, ठीक है। इसी प्रकार जैसे हमने इंटरेस्ट किसी को पैसा उधार दिया और पैसा हमने उसके ब्याज के रूप में प्राप्त किया, तो वो हमारी क्या होगी बेटा? लाभ है। ब्याज क्या है? लाभ के रूप में मिलता है, इनकम के रूप में मिलता है। तो ऐसे ही किराया है, तो हमने अगर हमारी बिल्डिंग का कोई हिस्सा किसी दूसरे व्यक्ति को रेंट पे दिया तो रेंट पे देंगे तो क्या होगा? इनकम होगी। तो अगर आप रेंट रिसीव्ड कर रहे हैं या इंटरेस्ट रिसीव्ड कर रहे हैं या डिस्काउंट रिसीव्ड कर रहे हैं या कमीशन रिसीव्ड कर रहे हैं, तो ये दीज आर क्या? इनकम्स। ये हमारे क्या है? प्रॉफिट्स है, लाभ है, आय है। तो ऐसे खाते जो खर्चों के रूप में हो, जो आय के रूप में हो, जो परचेज और सेल से संबंधित हो, यानी हमारे रेवेन्यूज आ रहे हों, जिसमें एक्सपेंसेस हो रहे हों, इस प्रकार के खाते को हम क्या कहते हैं? नाम मात्र का खाता कहते हैं। अब नाम मात्र के खाते के नियम क्या होते हैं, उस नियम को हम समझ लेते हैं कि समस्त प्रकार के जितने भी प्रकार के हमारे खर्चे या व्यय, एक्सपेंसेस जिसको हम बोलते हैं, या लॉसेस बोलते हैं, लॉस लाइक जैसे कि हमने कोई संपत्ति का विक्रय किया और हमको लेके तो 10,000 में आए थे और बेचा हमने उसको 8,000 में, तो 2,000 का नुकसान हो गया, तो लॉस ऑन सेल ऑफ क्या हुआ? असेट्स हुआ, तो हानि। तो समस्त व्यय और हानि खातों को तो हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और जितनी भी रेवेन्यूज है, आय है, लाभ है, किसी भी प्रकार का प्रॉफिट हमें हो रहा है, तो उससे संबंधित खाते को हम क्या करते हैं? सीआर कहते हैं। तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑल रेवेन्यूज एंड इनकम्स एंड प्रॉफिट्स गेन्स आर क्रेडिटेड, ये हमारा रूल है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया कि हमने 1,000 रुपये वेतन दिया यानी सैलरी पे की। अब सैलरी क्या है? हमारा खर्चा है, क्योंकि हम किसी दूसरे को दे रहे हैं, तो खर्चा। तो मैंने अभी यहाँ बताया था कि ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस आर डेबिटेड, यानी ये हमारा एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस है तो क्या होगा? डीआर किया जाएगा। अब दूसरी तरफ देखिए, दूसरा खाता कि हम सैलरी दे रहे हैं तो किस में दे रहे हैं? कैश में दे रहे हैं। तो दूसरा खाता कौन सा हुआ? कैश खाता। कैश खाता क्या है? संपत्ति खाता। और संपत्ति खाते का क्या रूल सिखाया था हमने? कि जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। तो यहाँ पर हमारे पास से क्या हो रहा है? कैश जा रहा है, तो कैश क्या होगा? सीआर होगा। तो एंट्री क्या बनेगी? सैलरी चूंकि एक्सपेंसेस है, खर्चा है, तो सैलरी अकाउंट डीआर क्या बन गई? सैलरी अकाउंट डीआर
कैश को क्रेडिट करना है तो क्रेडिट के लिए हम लगाते हैं टू टू कैश अकाउंट, ठीक है बेटा। तो ये हमारी एंट्री बन गई, डेबिट साइड 1000 लिख देंगे और क्रेडिट साइड भी 1000 लिख देंगे। इस प्रकार हमारी ये ट्रांजेक्शन एंट्री हमारी लेखा जनरल में कर दी जाएगी। दूसरा एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि हमने ब्याज प्राप्त किया 1000 रुपये का। अब क्या है यहाँ पर, इंटरेस्ट जो है वो हमारी क्या है, इनकम है, प्रॉफिट है, क्योंकि वो आ रहा है। तो इनकम्स को हमने क्या कहा था, सी आर करेंगे। तो ब्याज यहाँ पर क्या होगा, सी आर, क्योंकि इनकम है तो इनकम आर क्या होती है, सी आर। और दूसरी तरफ क्या आ रहा है हमारे बिजनेस में, ब्याज किस में मिलेगा, कैश के रूप में आ रहा है। तो कैश क्या है, रियल अकाउंट, तो जो वस्तु आती है उससे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डी आर टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। तो इसमें रिवर्स हो गई, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इनकम है, इनकम को हम सी आर में ले गए, और यहाँ पर क्या था, खर्चा था, तो सैलरी अकाउंट क्या हो गया हमारा, डी आर हो गया। यहाँ पर कैश है वो जा रहा था, तो हमने रियल अकाउंट का मेथड लगाया कि रियल अकाउंट कहता है कि जो वस्तु जाती है उसे सी आर करो। यहाँ पर कैश आ रहा है यानी वस्तु आ रही है, तो वाट कम इन तो डी आर होता है, इसलिए हमने कैश को डी आर किया। तो ये हमारा रियल अकाउंट के जो हमारे सॉरी नॉमिनल अकाउंट का रूल है। इस तरीके से आपको ये गोल्डन रूल एक और याद करना है, समस्त व्यय और हानि को डी आर करेंगे, समस्त आय व लाभ को क्या करेंगे, सी आर करेंगे। इसी मेथड से मैंने आपको दो एग्जाम्पल देके बताए हैं। आप अपनी बुक्स के जितने भी एग्जाम्पल किताब में दिए हुए हैं उस बुक में से वो एग्जाम्पल करें। होमवर्क में मुझे कम से कम 4-5 एंट्री इस अकाउंट से रिलेटेड जो हैं वो मुझे करके आप लोग दिखाएंगे। एक चीज़ और बताऊं कि नॉमिनल अकाउंट में जब भी कोई ये एक्सपेंसेस दे रखा है, जैसे सैलरी है या रेंट है या आपका यूं बोल लीजिए डिस्काउंट है, अगर इनके इस शब्द के आगे या पीछे कुछ भी शब्द लगाया हुआ हो तो यह नॉमिनल अकाउंट नहीं रहता, वो कौन सा खाता बन जाता है, मैंने आपको बताया था, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता। फॉर एग्जाम्पल कि ये सैलरी है मेरी, इस सैलरी के आगे मैं लगा देती हूँ आदित्य, कि हमने इसको अभी सैलरी ड्यू तो हो गई पर हमने हमारे श्रमिकों को कर्मचारियों को सैलरी दी नहीं। जैसे दिसंबर की सैलरी हम 1 जनवरी को देते हैं और 31 दिसंबर को खाता बनाएंगे, तो ये जो सैलरी है जो कर्मचारियों को देनी है वो क्या हो गई, आउटस्टैंडिंग हो गई, बकाया हो गई। तो ये जो बकाया शब्द मैंने लगाया जिसको हम हमारी कॉमर्स की भाषा में बोलते हैं आदित्य आउटस्टैंडिंग, तो ये इसके पहले लग गया, तो पहले जब शब्द लग जाता है तो ये वेतन खाता नॉमिनल अकाउंट नहीं होकर क्या बन जाता है, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता यानी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाता है। तो आप हमेशा ध्यान रखें कोई भी एक्सपेंसेस है इसके आगे पीछे कोई भी शब्द लगता है तो उस पर नॉमिनल अकाउंट का फार्मूला नहीं लगेगा, उसमें पर्सनल अकाउंट का फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो आप लोग इस तीनों प्रकार के खातों को अच्छी तरह समझिए और अपने जो एग्जाम्पल किताब में दिए वो करें। थैंक यू वेरी मच।